बसमर असलकम आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सोशल साइकोलॉजी को व्हाट इज़ सोशल साइकोलॉजी एंड हाउ वी कैन डिफ़ाइन इट डेफिनेशन की बात करें तो सोशल साइकोलॉजी इज़ बेसिकली साइंटिफिक स्टडी दैट फोकसेस ऑन हाउ पीपल थिंक अबाउट हाउ दे इन्फ्लुएंस

क्योंकि साइकोलॉजी का एक टाइप है साइकोलॉजी का एक फील्ड है सोशल साइकोलॉजी सो हेयर वी फोकस्ड ऑन साइंटिफिक मेथड ऑफ़ स्टडी इसलिए हम इसको साइंटिफिक स्टडी कहते हैं और ये सोशल इंटरेक्शन को स्टडी कर रही होती है इंडिविजुअल का एक इंडिविजुअल का इंटरेक्शन कैसे है दूसरे इंडिविजुअल के साथ और एक इंडिविजुअल का इन्फ्लुएंस क्या पड़ सकता है उसके सोशल ग्रुप पर या सोसाइटी के मेम्बर्स पर बेसिकली सोशल साइकोलॉजिस्ट फोकस ऑन हाउ द प्रेजेंस ऑफ अदर्स इफेक्ट्स अवर बिहेवियर क्या दूसरों की प्रेजेंस हमारे बिहेवियर को चेंज कर सकती है या नहीं चेंज करेगी ठीक है प्रेजेंस की अगर हम बात करें तो प्रेजेंस की डिफरेंट टाइप्स हैं देर आर थ्री टाइप्स ऑफ दिस प्रेजेंस फर्स्ट वन इज़ नॉन एज एक्चुअल प्रेजेंस सेकेंड वन इज़ नॉन एज एम्प्लाइड प्रेजेंस एंड थर्ड वन इज़ नॉन एज इमेज प्रेजेंस एक्चुअल प्रेजेंस इज वेन सम वन इज फिजिकली प्रेजेंट एक इंडिविजुअल फिजिकली अवेलेबल है एंड दैट फिजिकल प्रेजेंस इन योर सराउंडिंग वेल

जो प्रेजेंस होती है उनकी जो फिजिकल प्रेजेंस होती है वो चाइल्ड के बिहेवियर को चेंज कर देती है यू विल बिहेव अकॉर्डिंग टू डिमांड्स अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स ऑफ योर फैमिली आप अपने जो फैमिली के नॉर्म्स बने हुए हैं जो फैमिली के रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप बिहेव करते हो वेन योर पेरेंट्स पेरेंटल फिगर्स आर योर एल्डर फैमिली मेंबर्स आर फिजिकली प्रेजेंट इन दी सराउंडिंग ठीक है इसी तरह अगर एग्जाम्पल uh, दूँ मैं आपको क्लास रूम सेटिंग में से तो इफ़ द टीचर इज़ फिजिकली प्रेजेंट इन द्लास रूम एंड दैट फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द टीचर विल चेंज द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट

फिजिकली प्रेजेंट ना हो एक्चुअल प्रेजेंस ना हो इंडिविजुअल की देन एम्प्लाइड और इमेजन प्रेजेंस भी इफेक्ट डाल सकती हैं इंडिविजुअल के बिहेवियर पे। एम्प्लाइड प्रेजेंस क्या होती है वैन सम वन इज़ नॉट प्रेजेंट फिजिकली बट देर आर सम हिंट्स, देर आर सम क्यूज

टीचर इज़ अवेलेबल देयर टीचर कहीं ना कहीं वहीं आपके डिपार्टमेंटल सेटिंग्स में अवेलेबल है फॉर uh, एग्ज़ाम्पल उसका कोई बैग उसका कोई पेन uh, उसका कोई रजिस्टर कोई अटेंडेंस रजिस्टर या उसके सिग्नेचर जो आपको ये बता रहे हैं जो आपको ये हिंट प्रोवाइड कर रहे हैं दैट योर टीचर इज़ Uh, subject टीचर इज़ अवेलेबल देयर एंड यू हैव टू टेक योर क्लास ठीक है तो आप वहाँ से अपने एजुकेशनल डिपार्टमेंट uh, को इंस्टीट्यूट को या अपने classroom को छोड़ के नहीं जाते हो जब आपको पता है ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर टीचर ड्यूरिंग क्लास टीचर आपका आपकी क्लास लीव करता है और uh, टीचर किसी भी काम से आपकी क्लास से बाहर जाता है लेकिन वो अपना बैग अपने आपके क्लासरूम में छोड़ के जा रहा होता है तो वहाँ पे क्या होता है सेल फोन उसका वहीं पड़ा हुआ है तो वो हिंट्स दैट टीचर विल कम बैक ठीक है तो आपकी वो फिज़िकल प्रेजेंस नहीं होती लेकिन वो हिंट्स या वो क्यूज़ उनकी वजह से आप अपने बिहेवियर को चेंज कर देते हो आपने बाहर जाना है आप क्लासरूम को छोड़ के जा रहे हो लेकिन उन हिंट्स की वजह से आप क्लास छोड़ नहीं सकते क्यों इसलिए कि आपके पास एक हिंट अवेलेबल है कि टीचर वापस क्लासरूम में आएगा ठीक है तो ये हिंट्स जो हैं वो आपकी ये आपके बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं देन दर्ड स्ट्रांगेस्ट टाइप इज़ नोन एज इमेजन प्रेजेंस इमेजिन प्रेजेंस वो चीज़ है जब नीदर फिजिकल प्रेजेंस इज अवेलेबल नॉर सम क्यूज आर हेंड्स आर अवेलेबल ना तो फिजिकल एक्चुअल प्रेजेंस होती है और ना ही इमेजिन प्रेजेंस होती सॉरी एम्प्लाइड प्रेजेंस होती है, है इंडिविजुअल की लेकिन वो पर्सन जो है बट दैट पर्सन इज़ प्रेजेंट इन योर इमेजिनेशन वो आपके थाट पैटर्न में आपके थिंकिंग में आपके ब्रेन में वो Uh, कहीं कही ना कहीं आपके माइंड में वो प्रेजेंट होता है जब वो आपके माइंड में प्रेजेंट होता है इंडिविजुअल और उसकी वो जो इमेजिन प्रेजेंस है आप आपकी वो थिंकिंग जो है वो इमेजिन प्रेजेंस की वजह से आपके बिहेवियर को अल्टर करती है चेंज करती है या आपके बिहेवियर पे इन्फ्लुएंस डालती है तो इट मींस देयर देयर इज इमेजिन प्रेजेंस एंड दिस इमेजिन प्रेजेंस हैज इफ़ेक्ट योर ऑन योर बिहेवियर फॉर एग्जाम्पल जब भी आप अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जाते हो तो आपके पेरेंट्स जो हैं वो एक्चुअली प्रेजेंट नहीं होते फिज़िकली प्रेजेंट नहीं होते इसी तरह उनकी इम्प्लाइड प्रेजेंस भी नहीं होती आपके एजुकेशनल uh, इंस्टीट्यूट में कोई हिंडस कोई क्यूज़ अवेलेबल नहीं होते लेकिन उनकी इमेजिनेशन आपके माइंड में होती है वो आ, उन आपकी थिंकिंग में आपके पेरेंट्स अवेलेबल हैं आपके फैमिली मेम्बर्स अवेलेबल होते हैं प्रेजेंट होते हैं और आप आप अपने फैमिली रूल्स अपने फैमिली नॉर्म्स को साथ लेके चलते हो और ये पेरेंट्स की जो इमेजिन प्रेजेंस है जो आपकी थिंकिंग में चल रही है आपके माइंड में चल रही है ये आपके बिहेवियर को चेंज करेगी ये आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में भी आप ऐसा कोई बिहेवियर परफॉर्म नहीं करते आप क्लास बंक नहीं मारते आपको ये ऐसा नेगेटिव बिहेवियर परफॉर्म नहीं करते जो जिसकी वजह से आपको ये आईडिया मिलता है जिसकी वजह से आपको ये होता है कि अगर आपके पेरेंट्स अवेलेबल होते या आपके पेरेंट्स या आपके फैमिली मेंबर्स आपके इस बिहेवियर इस को नेगेटिव कंसिडर करेंगे और आपको अलाउ नहीं करेंगे इस चीज़ के लिए तो आप अपने बिहेवियर को किसी भी बिहेवियर को नेगेटिव और पॉजिटिव इफ़ यू चेंज योर बिहेवियर ऑन दी बेसिस ऑफ दैट इमेजन प्रेजेंस इट मीन्स दैट इट हैज़ इफ़ेक्ट्स ऑन योर बिहेवियर तो ये थ्री टाइप्स हैं प्रेजेंस की जो हमारे बिहेवियर को चेंज कर लेती हैं और सोशल साइकोलॉजिस्ट का बेसिक रोल भी यही होता है वो ये चेक कर रहा होता है कि हमारा सोशल इंटरेक्शन कैसा है लोगों की वजह से हमारा बिहेवियर कैसे चेंज हो सकता है और क्या हम इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं लोगों के बिहेवियर में हमारी प्रेजेंस की वजह से लोगों का बिहेवियर सोसाइटी का बिहेवियर या हमारे सराउंडिंग में अवेलेबल प्रेजेंट लोगों का बिहेवियर किस तरह से आल्टर हो सकता है दिस इज़ ऑल अबाउट डेफिनेशन ऑफ सोशल साइकोलॉजी थैंक यू सो मच